मान्यवर प्रिय देशवासियों, बताओ भाई, आज पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून एवं एनआरसी, ये दोनों सीएए और एनआरसी दोनों का विरोध हो रहा है। सीएए संसद द्वारा पारित कानून है, संसद में दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी पक्ष पर विपक्ष में बहस हुए, उसके बाद संसद ने कानून बनाया। कुछ गैर सरकारी संगठन, कुछ समाज सेवी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किए हैं। अच्छी बात है, संविधान की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है, कानून सही है गलत है सुप्रीम कोर्ट करती है। जब सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चैलेंज किया गया है, तब फिर क्यों राष्ट्र की संपत्ति को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं? मान्यवर, एनआरसी पर जो विवाद छिड़ा हुआ है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बाहर के आए हुए लोग भारत की संपत्ति पर अपना अधिकार रखें और यहां के लोग उस अधिकार से वंचित हो जाए? मुझे नहीं विश्वास है कि आप ऐसा सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह गलत सोच है, यह राष्ट्रद्रोही सोच है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि यह राष्ट्रद्रोही सोच है। एनआरसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। एनआरसी किस पर लागू हो रहा है? जो भारत के बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं। लोग कहते हैं कि दस्तावेज, अरे यार बिना दस्तावेज के भी प्रमाणित हो जाता है कि तुम भारत के हो या नहीं हो। तुम्हारे तो पूर्वज चार पीढ़ियों से पांच पीढ़ियों से है ना यहाँ, ये तो प्रमाणित हो जाएंगे। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत सरकार दस्तावेज मांग रही है। कहाँ दस्तावेज मांग रही है? अभी तो एनआरसी चालू भी नहीं हुआ है और चालू हुआ तो कहाँ दस्तावेज मांगा जाएगा? जैसे ही होगी पीढ़ियों पीढ़ी दर पीढ़ी पता चल ही जाएगा उसकी, इसके फलाने के वंशज है, इनके पूर्वज ये थे, यहाँ थे 1971 के पहले, इनके ये दादा परदादा या कोई ना कोई वंशज, पता चल जाता है। और उस समय आप पर एनआरसी नहीं लागू होगी, एनआरसी उन्हीं पर लागू होगी जो बाहर से आए हुए हैं, जो भारत के बाहर के। कैब पर सीएए कानून, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, भारत सरकार मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है। कहां पर भारत सरकार ने कहा कि जो भारत में पहले से मुस्लिम है उनको देश से बाहर किया जाएगा, उनको काली सूची नहीं दी जाएगी? कहीं कहा है भारत सरकार या कोई सरकार? कोई सरकार नहीं कही। एक मनगढ़ंत कहानियां रटी जा रही है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, संविधान खतरे में है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, यह राष्ट्र आपकी है, यह देश आपका है, आप राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद न करें। और जहां तक नागरिकता संशोधन कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 से जोड़ा जा रहा है, इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। जो भारत के नागरिक है वो है, उनकी सारी सुविधाएं जो भारत सरकार सभी नागरिकों को देती है, चाहे वो हिंदू हो वो सारे मुस्लिमों को भी देगी, जैसे पहले था वैसे ही आज है। अलग से इस कानून के तहत अलग से उनके लिए एक प्रावधान किया गया है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार प्रताड़ित है, अर्थात जो वहां अल्पसंख्यक है, अरब, सिख, जैन, हिंदू, पर्शियन, ईसाई, ये सारे लोग जो अपनी पूजा पद्धति के कारण इस्लाम के अनुसार पूजा नहीं करते थे और ये इस्लामिक कंट्रियों में वहां प्रताड़ित थे, उन्होंने छोड़ करके भारत आया और भारत सरकार उनके लिए ये नागरिकता देने की बात की है, न कि यहाँ भारत में रहने वाले मुसलमानों को नागरिकता छीनने की। किसी की तो यहाँ नागरिकता छीनने की बात नहीं हो रही, बल्कि देने की बात हो रही है, तो किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। अतः मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगा कि राष्ट्र आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद ना करें। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो फिर हमारी कहां
गिनती। अतः मेरे प्यारे भाइयों, राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद न करें। जय हिंद, जय भारत।